जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 6 में गांधी हेल्पलाइन के तहत वार्ड में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत विशेष रूप से उपस्थित रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों की ऑक्सीजन के स्तर की जाँच ऑक्सीमीटर के माध्यम से की, तो वहीं थर्मल स्कैनर के माध्यम से शरीर का तापमान भी जांचा। नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने बताया कि सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के प्रयासों से आज कुल्लू विधानसभा में घर घर पर बूथ कार्यकर्ता लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन की कमी होने पर मरीजों को देने के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखे गए हैं, ताकि घर पर ही लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा सके। गौर रहे कि कुल्लू कांग्रेस कमेटी के द्वारा विधानसभा क्षेत्र में बूथ कार्यकर्ताओं को उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि वे घर घर जाकर लोगों के शरीर में ऑक्सीजन के स्तर की जांच कर सकें। जो पीएम किसान निधि में जो है काफी जो इसमें किसानों का जो है करप्शन में सबसे बड़ी गलती है। और दूसरी बात जो है किसानों से जो है डिपार्टमेंट के द्वारा जो है हर जो इंस्टॉलमेंट है जो वापस ली गई है, उसके उपरांत पर जो हम आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो मिलने के लिए आए थे। और सर्वप्रथम मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जब मुझे नोटिस भेजा गया तो वो मुझे नहीं भेजा गया, तो वो तहसील में ही रखा गया था। और जब भी नोटिस जारी किया जाता है CPC 18 के तहत, उसमें जो इसका प्रावधान दिया गया है, जब नोटिस कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है तो उसकी जो है वो वैलिड होता है 30 और 35 डेज तक, और विदाउट कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा जाता है तो वो होता है 60 डेज तक वैलिड। और ये डिपार्टमेंट मुझे नोटिस कर रहा है 1 साल 4 महीने के बाद, सबसे बड़ी गलती देखी है। और दूसरी बात, 1 साल 4 महीने तक इनको ये नहीं पता है कि इंस्टॉलमेंट किसके अकाउंट को जारी है। और दूसरी बात, ये कहते हैं कि अकाउंट नंबर इनकरेक्ट है, इसमें लिखा हुआ है इन्होंने नोटिस पर, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ कि इनकरेक्ट, तो मेरे इंस्टॉलमेंट कैसे मेरे अकाउंट को आई, सबसे बड़ी बात है। जब आप बेनिफिशरी स्टेटस पर जब मेरा अकाउंट नंबर डाल रहे हैं, मोबाइल नंबर डाल रहे हैं आप, जो उसमें आधार नंबर डाल रहे हैं, तो मेरा जब एड्रेस बिल्कुल सही शो हो रहा है, तो उसके उपरांत भी विभाग ही इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, किसान हमारा जो अन्नदाता है, अन्नदाता को जो है ये लोग आज जो हमारे ऑफिसों के जो चक्कर काटने पड़ रहे हैं, किस कारण? किसान निधि को लेकर। आज किसान निधि का भी इन्होंने पैसा मांग, कौन होते ये किसान निधि का पैसा वापस लेने वाले? अगर मैं बात करूं तो 3-4 तो मेरे गांव मेरे एरिया का है, और अगर मैं मैक्सिमम बात करूं तो इसमें कोई 65 और 100+ भी हो सकते हैं। तो सोचिए इतनी बड़ी गलती, क्या पीएम किसान निधि के द्वारा प्रधानमंत्री जी पैसा भेज रहे हैं और ये जो है डिपार्टमेंट ये इतनी बड़ी गलतियां कर रहा है, जिसमें पीज गांव दर्शाया गया है, जबकि मेरा विलेज नगोटी आना था, उसमें इन्होंने पीज डाला हुआ है। तो इसमें अगर आप देखते हैं, मेरे पिताजी का नाम भी सही है, मेरे फादर जो फादर नेम, हर एक चीज़ मतलब की सही है, बस इतना ही है कि विलेज इन्होंने पीज लिख दिया है। तो ये मेरे के लिए नहीं, ऐसे कई व्यक्तियों के साथ इन्होंने किया हुआ है। सबसे बड़ी मेरी यही मांग रही है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको या तो ये जल्द से जल्द ठीक करें, या तो हमें ऐसा ना हो कि इनको कोर्ट कचहरी तक पहुंचाना पड़े। सबसे बड़ी मांग हमारी यही है। घर घर जाकर कर रहे हैं, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना काल चला हुआ है, कुल्लू हमारे जो कुल्लू विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से भी काफ़ी लोग जो कोरोना के सिम्टम नज़र आ रहे हैं। तो हम तो धन्यवादी हैं जो हमारे स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी के और कांग्रेस पार्टी के, और ख़ासकर सुंदर सिंह ठाकुर के, जिन्होंने अपने फंड से, MLA फंड नहीं, अपना पर्सनल फंड और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जो इकट्ठा किए गया फंड है, उसके द्वारा हमने 500 ऑक्सीमीटर, 500 थर्मल स्कैनर और कुछ दवाइयाँ, कोविड की दवाइयाँ भी, विटामिन सी भी, और कुछ और 500 जो हमने सामान लाया था, हमने हर बूथ पर जाकर हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं को ये सारा सामान दिया गया। और हमारे बूथ के कार्यकर्ता जो है हर घर घर में जाकर और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर घर में जाकर बुज़ुर्गों का, बच्चों का और नौजवानों का ऑक्सीजन नाप रहे हैं और थर्मल स्कैनर भी कर रहे हैं, और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का। लोग भी खुलकर जो है सुंदर सिंह ठाकुर जो हमारे स्थानीय विधायक है, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे को घर द्वार तक इस सुविधा को पहुंचाया। और हम कांग्रेस पार्टी के आभारी भी हैं कि जिनकी रहनुमाई में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। और लोगों में जो हमारे जो महिला मंडल है, युवा मंडल है और दूसरे जो आम नागरिक है, और इस थर्मा स्कैनर और ऑक्सीजन मीटर की और डिमांड की जा रही है। और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से
और सुंदर सिंह ठाकुर द्वारा जो लाए गए थे 500 थर्मल स्कैनर और मीटर खत्म हो चुके हैं। हम 500 और सारा मटेरियल द्वारा कुछ ही दिनों में लाएंगे और एक घर घर में जाकर इसका द्वारा फिर हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा सुंदर सिंह ठाकुर के द्वारा जो हमारे कार्यकर्ता गाँव गाँव में जाकर जो एक काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय काम है और हम धन्यवाद दिया इस कार्य के लिए। में जो कटा जैसे कि ऑक्सीमीटर और ये थर्मल स्कैनिंग के लिए जो है सबसे बड़ी चीज़ है थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीमीटर। अब किसी का जो है आज बड़ी अच्छी शुरुआत की है कि जैसे ऑक्सीमीटर जो है ऑक्सीमीटर में जो लेवल बताया गया ये प्राइमरी इसका जो अपना प्राइमरी जो इसमें जो मेडिकल का एक प्राइमरी स्टेज है जिसमें हम कोरोना का जो है अगर ऑक्सीमीटर लगाते हैं उसमें जो अगर लेवल जो है 90 से नीचे आए तो समझें कि जो है बंदे को हम ये गाइड करेंगे कि आप हॉस्पिटलाइज होइए आप मेडिकल फैसिलिटी लीजिए और इसमें जो है बिल्कुल एकदम क्योंकि इसमें जब ऑक्सीजन लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है हम लोग बड़ा इसमें क्योंकि मैक्सिमम पता नहीं लग रहा है तो इसमें अगर ऑक्सीमीटर से जो है ऑक्सीजन लेवल का आपका पता लगेगा जिसमें कि देखें सामने हमारे ऑक्सीमीटर वगैरह हर चीज़ रखे हुए हैं तो हमारा जो वार्ड नंबर 6 में शुरू किया है और इसमें जो है वो अपना थर्मल स्कैनिंग का जैसे कि मानिए भाई के बड़ी अच्छी ये शुरुआत है कि हर बूथ में खास करके शहर में तो चलो हमारे पास फैसिलिटी है लेकिन गांव लगे में चाहे लग वैली का इंटीरियर बूथ है चाहे वो मणिकरण वैली का इंटीरियर बूथ है कहीं भी जो है जाके हमारे बूथ लेवल जो कमेटी है हमारी पार्टी की जो कमेटी है क्योंकि पार्टी लेवल पर मैं ठीक है मैं नगर परिषद अध्यक्ष हूँ लेकिन पार्टी जो है पार्टी लेवल पर मैं पार्टी से जुड़ा हूँ पार्टी लेवल में शहर का इंचार्ज भी हूँ तो इस पार्टी लेवल पर जो काम कर जो बूथ लेवल पर काम हो रहा है ये बहुत सराहनीय काम है क्योंकि इसमें जो है ये हमारा जैसे इसमें स्लोगन है कि हमने कोरोना से लड़ना है डरना नहीं है उस लेवल अगर बूथ लेवल पर हम जाके क्यों गांव में कोई फैसिलिटी नहीं है गांव में अगर इस ऑक्सीमीटर से आप जो है उसका लेवल चेक करेंगे तो गांव में जो लोग बड़े इसमें उत्साह है लोग सब जो है हर बूथ पर जाके जहां भी हमारा जो ये ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर है लोग जाके चेक करा रहे हैं अपना लेवल चेक करा रहे हैं और आपने देखा होगा कि आज लेवल में जो है थर्मल स्कैनिंग से भी काफ़ी हमारा जो इसमें टेम्परेचर का पता लग जाता है उसमें अगर टेम्परेचर अगर आ जाए तो इसमें भी एकदम मेडिकल एड में जो है पता लगता है कि बंदे को चलो जी हमारे बूथ लेवल जितनी कमेटियाँ बनी हैं एकदम उसको हॉस्पिटलाइज करें उसके जो है सर जाना है इस तरह की बड़ी अच्छी पहल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो है स्कैनिंग और जो थर्मल जो अपना इसका ऑक्सीमीटर और जो थर्मल स्कैनिंग बड़ा भारी एक इम्पोर्टेंट डिटेल है गाँव के लिए अगर के खास करके इंटीरियर के लोग हैं या वो त्यून स्मालिंग में है या वो मणिकरण का टेरी तोश वगैरह पीछे जो अपने बैठे हुए हैं घराड़ के हमारे जो बड़ी इंटीरियर वादी हैं जहाँ भी हमारे इस कॉन्सिल में एक बड़ा अच्छा जो पहल की है उन्होंने इस ढंग से जो है बड़ा एक अच्छा मैसेज जाएगा लेकिन एक हमारी जो है लोगों को बड़ा हमारे जो जितने कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल पर जुड़े हुए हैं हम सभी से अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा हम अपील करेंगे कि बूथ लेवल पर आके अपना जो ऑक्सीजन लेवल और अपना जो टेम्परेचर चेक कराइए क्योंकि ये कुल्लू से दिनेश गौतम की रिपोर्ट।